हाँ जी बच्चों, सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट प्राइम्स, कंपोजिट, इवन प्राइम, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, राइट? एवरीथिंग वी डिस्कस्ड. सिर्फ एक चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, एंड दैट वाज को प्राइम नंबर्स. हाँ जी, कौन बताएगा मुझे आकर के कि को प्राइम नंबर्स क्या होते थे? व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? द नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर्स. अच्छा, अ नंबर व्हिच इज हैविंग मोर देन टू फैक्टर इज को प्राइम. हाँ जी, कौन कह रहा है कि ये ठीक बात बोल रहा है? अ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर इज को प्राइम. वन फैक्टर. वन फैक्टर. अभी भी कुछ तो भी गड़बड़ कर रही. वन इज अ कॉमन फैक्टर. टू नंबर्स विच हैव वन एज दी कॉमन फैक्टर. एनी टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर. आर को प्राइम. और किन्हीं भी दो नंबर को प्राइम होने के लिए अपने आप उनका प्राइम होना जरूरी था कि नहीं था? नहीं था. है नहीं था. कोई भी दो नंबर जिसमें सिर्फ एक ही चीज हो कि कॉमन फैक्टर एक ही हो, बस वो को प्राइम हो रहे थे. लेट अस से मेरे पास एक नंबर है 7 और दूसरा है 11. आर दे को प्राइम? हाँ जी. मैम नो. दे आर नॉट को प्राइम. मैम यहाँ गड़बड़ है. मैम 7 के फैक्टर्स लिखो जी. 1 एंड 7. सिमिलरली 11 के फैक्टर 1 एंड 11. 1 के अलावा क्या कोई और कॉमन फैक्टर है? इसका मतलब कैसे है ये को प्राइम? यहां पर हमने जो दो नंबर्स लिए वो इटसेल्फ भी प्राइम है, और जब पेयर को देखा जाए तो को प्राइम है. ना टाइम चाहिए होगा, मैं मोबाइल नहीं है, छोड़ दे देना मुझे, छोड़ देना, अभी तो खेल रही है. एक नंबर है 2 और एक नंबर है आपका चलो हम एक प्राइम, एक नॉन प्राइम नंबर और एक प्राइम नंबर की बात कर लेंगे. लेट अस से एक नंबर है आपका 4 और एक है 5. इज 4 अ प्राइम नंबर? नो नो. नो इज दिस पेयर को प्राइम? 4 एंड 5 फैक्टर्स यस लिखने पड़ते हैं हमें. मैम हाँ, ये को प्राइम है. फैक्टर्स यस. ऑफ 4 की बात करोगे तो 1, 2 एंड 4. फैक्टर्स ऑफ 5 की बात करें तो 1 एंड 5. कॉमन फैक्टर फिर से क्या है? सिर्फ 1. नो अदर कॉमन फैक्टर इज देयर. सो 4 एंड 5 दे आर को प्राइम. 7 एंड 11 दे आर को प्राइम. ठीक है जी. और किसी बात में कोई कंफ्यूजन कल जो कुछ हमने डिस्कस किया था उसमें? चलिए, हम एमसीक्यूज कर रहे थे. फर्स्ट 2 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे मॉड्यूल 1 के. थर्ड एमसीक्यू पर हम आ रहे हैं. The first three common multiples of 6 and 8. हाँ जी. बी पार्ट बी पार्ट. ये तो आपको आता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. 6 के और 8 के 3 फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. तो दे आर 24, 48 एंड 72. 6 के टेबल में भी ये आते हैं और 8 के टेबल में भी आ रहे हैं, तो कॉमन मल्टीपल हो गए दोनों के. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट नंबर? व्हाट इज अ सेवन.
बोलो। मैम द नंबर विच हैज सेक्ट समिंग द हाँ, परफेक्ट एग्जैक्ट नंबर नंबर इज द नंबर। हाँ मैम बोलो। फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट नंबर व्हेन एडेड मेक द नंबर इटसेल्फ मेक डबल ऑफ द नंबर। इफ यू आर एडिंग ऑल द फैक्टर्स, नंबर इटसेल्फ को भी आप ऐड कर रहे हैं एज फैक्टर, अ नंबर हुज अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज डबल द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। मतलब जो भी हमें नंबर दिया है हम उसके फैक्टर्स लिख लें, सारे जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं सारे लिख लें और उन सबको ऐड कर दें। एडिशन करने पर जो आंसर बने वो गिवन नंबर का डबल अगर हो गया तो फिर वो परफेक्ट नंबर है वरना नहीं है। जैसे कि यहीं पर हम शुरू करते हैं, पहली ऑप्शन है 16, 16 के फैक्टर्स लिखने हैं मुझे, बोलते जाओ जरा। वन टू फोर मेड वन टू फोर एट एंड 16, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 16। अब मुझे क्या करना है, मैंने इन सबको ऐड करना है। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, बताओ जी कितना आया। मैम 31 31 सम ऑफ इज 31 एंड नंबर वॉज 16, इसका डबल करने का मतलब। मैम इसको खुद के साथ मल्टीप्लाई 2 कर दो या फिर अपने आप एक से प्लस कर दो इसको खुद से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ, मैम मल्टीप्लाई बाय 2 डबल करने का मतलब, डबल ऑफ 16 मीन्स 2 टाइम्स 16, दैट इज 32। डबल ऑफ नंबर इज 32 वेल सम ऑफ फैक्टर्स इज 31। सो इज 16 अ परफेक्ट नंबर? नो, मैम 16 इज नॉट द परफेक्ट नंबर, क्योंकि परफेक्ट नंबर के लिए क्या चाहिए था, सारे फैक्टर्स का एडिशन डबल ऑफ नंबर होना चाहिए था, तभी परफेक्ट बनता है। ये बात सभी को समझ में आई है? चलो यस फिर अगला नंबर चेक करो, 8 के लिखो फैक्टर, देखें जरा क्या बनाते हो। 8 के फैक्टर्स लिखो सबको ऐड, आंसर इज 28 आंसर इज 28। बाकी जरा ट्राई करेंगे 6G। ये बच्चों मुझे पेन कॉपी भी तो खुली भी नजर नहीं आ रही है मैम आंसर इज 15 ना बेटा। 15 तो आंसर नहीं, 15 तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शंस है 16, 8, 24 एंड 28। एट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर बिकॉज इफ आई टेक द फैक्टर्स ऑफ 8, 1, 2, 4 एंड 8, ऑन एडिशन आई एम गेटिंग 15, विच इज नॉट द डबल ऑफ 8, सो 8 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट इज 24, 24 मैम 24 इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। 28, परफेक्ट नंबर। फैक्टर्स ऑफ 28 लिखते हैं, देखो क्या क्या आएंगे। 1 है, 2 भी है, क्या 3 फैक्टर है 28 का, 4 है। यस अगला फैक्टर बताओ, विच वन इज द नेक्स्ट फैक्टर। सेवन सेवन, सेवन और हाँ जी 14, और कोई
आफ्टर मतलब 14 ट्वेंटी 28। ट्वेंटी एट अब सीधा जो हमारे पास नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है दैट इज सिंपली 28 द नंबर इटसेल्फ। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना है, जितने एक्सक्यूज मी भी मैम, फैक्टर्स हैं सबको ऐड। मैम, हाँ जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, परफेक्ट नंबर इज दैट इन विच वी ऐड द ऑल द फैक्टर और यू कैन ट्वाइस द नंबर ऑफ द फैक्टर्स। 4 6 है, 60 फैक्टर आपके पास क्या आ रहे हैं, नहीं 1 2 3 मैम, वो नहीं 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 मैम, हमारे पास तो ऑप्शन दिए हैं, अब उनमें से बात। अकॉर्डिंग टू द योर डेफिनेशन ना, हाँ जी अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन ट्वाइस द नंबर ऑफ द फैक्टर, कि हाउ मेनी फैक्टर्स इन द नंबर। नो नो नो, नंबर नंबर विच सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज डबल दी डबल नंबर। दी नंबर, स्ट्रिक्टली डेफिनेशन इज द परफेक्ट नंबर इज एक्सक्लूडिंग द नंबर, नंबर को छोड़ के आपने जो से फैक्टर देखिए बनते हैं उनको ऐड करना है। अगर आप अगर सिर्फ आप फैक्टर्स को ऐड इसको करें ऐड करें तो तो इट विल बिकम नंबर, नंबर। ऑब्वियसली जब उसमें आप उसमें उसको भी ऐड कर उसमें देंगे तो ऐड डबल द करेंगे नंबर तो हो डबल जाएगा। नंबर। अकॉर्डिंग टू द बुक ना, अकॉर्डिंग टू द सिक्स चलिए दिस इज द डेफिनेशन। सी, तरह की डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, जो बुक मेरे पास है उसके हिसाब से परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन। एक्चुअली बात तो वही कर रहे हैं, गलत दोनों तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें भी इफ यू विल ऐड ओनली दीज योर सम इज गोइंग टू बी 28, दैट इज योर नंबर। इफ यू विल ऐड इट इन 28 इट विल बी 56। अगर आप 6 की बात कर रहे हैं तो इसके फैक्टर्स आएंगे 2 3, एंड इफ आई टेक 6 आल्सो, बिकॉज 6 इज आल्सो अ फैक्टर, इफ आई विल ऐड आई गेट द नंबर, इफ आई ऐड दिस नंबर इट आई गेट डबल ऑफ द नंबर। ओके सो आंसर इज नॉट व्हिच एवर डेफिनेशन, ठीक राइट मैम? ठीक है जी। सो एज मैम सेज, परफेक्ट नंबर वी कैन से नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, बिकॉज नंबर इटसेल्फ आपको मालूम है कि वो खुद का फैक्टर होता है। तो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो नंबर इटसेल्फ को इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हमने कहा कि अगर हम सारे फैक्टर्स को ऐड कर दें तो डबल ऑफ नंबर आपको मिलेगा। अगर आप इसको छोड़ करके, नंबर को छोड़ दें, बाकी बचे हुए फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो वो नंबर के बराबर आएंगे, जैसा आप देख रहे हो 6 में और 28 दोनों में। एनी कंफ्यूजन्स? हाँ जी मैम। नो चलिए फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 7 का डिविजिबिलिटी रूल किया था हमने, जरा जल्दी से लगाओ रूल और मुझे बताओ कि मैम, ए पार्ट डिविजिबल नहीं है मैम, एट सी डिविजिबल, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी बी ऑप्शन इज पार्ट। आंसर। लेट अस स्टार्ट विद 2 7 1, ए ऑप्शन। रूल क्या था? मैम डबल द वंस डिजिट एंड माइनस इट फ्रॉम द डिजिट। रेस्ट माइनस इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, दिस इज 205। फिर से अब 5 आ गया यूनिट प्लेस पर, इसका डबल किया तो क्या आया 10, इसमें से माइनस किया 10, नॉट डिविजिबल बाय 7, सो नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय। नेक्स्ट नंबर गिवन इज 7 1 2 3 2, यूनिट डिजिट 2 का डबल 4, तो मेरे पास 7 1 1 9 बच गया, 9 का डबल किया 18, 693, 3 का डबल 663, डिविजिबल बाय 7, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, सेवन सो बी आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ बी। मेमोरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट विल बी डिविजिबल बाय देयर सम, देयर प्रोडक्ट, देयर डिफरेंस, देयर क्वोशेंट। अगर एक नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय
टू को प्राइम नंबर्स, अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हैं, लेट अस से मेरे पास, मैंने एक नंबर ले लिया टू, एक ले लिया थ्री, एंड नाउ आई हैव टू टेक अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री। सिक्स ले लेते हैं, इजिएस्ट पॉसिबल। सिक्स टू से भी डिवाइड हो रहा है और थ्री से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। सिक्स इज डिविजिबल बाय टू, सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री। अब मुझे क्या पूछा गया, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर, सिक्स इज डिविजिबल बाय टू सम सम। ओके देखते हैं जरा सम कैसे। है। तीन और दो का सम तो पांच है बेटा, क्या छह पांच से डिविजिबल है? नो नो डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस कितना है इनका, वन। सी पार्ट प्रोडक्ट। यस यस इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय दी प्रोडक्ट ऑफ दोज को प्राइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट कर लो। अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर उन दोनों को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से जरूर डिविजिबल होगा, ठीक है जी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है बी, सेकंड का है ए, थर्ड के लिए बी, फोर्थ डी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ सी। असर्शन रीजंस और केस स्टडी हमने पिछली क्लास में कर ली थी, यस ठीक है एक्सक्यूज मी जी। मैम, हाँ जी बेटा बोलो। मैम 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझ में आया। लो जी दोबारा कर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो। लेट अस से वी टेक द नंबर, यहाँ जैसे हमें यहीं पे अगली ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा था, ये ले लेते हैं 924706। 924706 मैंने बताना है ये सेवन से डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने क्या कहा, जो यूनिट प्लेस पे नंबर पड़ा, क्या पड़ा बच्चों यहाँ पर, सिक्स इसका क्या करना है, डबल। डबल कितना हो गया, 12। ट्वेल्व इसको ये बाकी बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या किया, यूनिट प्लेस पर सिक्स पड़ा था, इसका डबल किया 12। 12 को ये बाकी बचे हुए नंबर में से 92,470 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है जी। क्या आ जाएगा बोलो फटाफट से। 9,000, हाँ 9,000 के 90, 90,000, 2,458 एक मिनट एक मिनट, दोबारा बोलना इसको, कैसे बोला आपने, मैम, 90,000, 2,458 इट विल बी 92,458। सॉरी अब 8 का डबल करेंगे कितना आएगा, मैम, 16 16। अब 16 को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 का डबल इज 16, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर। जिस डिजिट का डबल कर देते हो वो डिजिट भूल जाओ, उसको छोड़ दो, बाकी बचे हुए नंबर में से उसका डबल सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9229, राइट। मैम। ओके ऐसे ही जब तक आप टू डिजिट नंबर तक नहीं पहुंचते चलते जाओ, जब टू डिजिट पे पहुंच जाओगे तो पता चल जाएगा कि सेवन से डिविजिबल है या नहीं है। इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय सेवन, द होल नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय सेवन। एनीथिंग एल्स दैट इज नॉट क्लियर फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। चलिए जी, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट जो हमारी बात है दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत आगे तक आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर बहुत आराम आराम से हम इसको रिवाइज करेंगे, आप स्कूल में कर चुके हैं, आपको चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, जल्दी से एक बार क्विकली हमने रिवीजन करनी है और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले तो बताओ क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन,
प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब किसी भी नंबर को आप एज दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस कर सकते हो। एनी नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो वो प्राइम फैक्टर्स मुझे निकालने हैं किसी भी नंबर के। दो तरीके से आप काम करते हो, एक डिवीजन मेथड से और एक फैक्टर ट्री बना करके करते हो ना, दो तरीके से। चलिए अच्छा फिर लेट अस से वी आर स्टार्टिंग विद 36। दोनों तरीके से जरा हम इसको एक बार फैक्टराइजेशन करके देख रहे हैं। करिए जरा, डिवीजन मेथड से कैसे करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर ट्री दोनों बनाने हैं मुझे इसके। सबसे पहले हम हमेशा क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है मेरा 2, तो क्या ये 36 2 से डिविजिबल है? जी, यस जब 2 से डिवाइड करें तो आएगा 18। अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 बाय 9। अब ये 3 से डिविजिबल, 3 3 जा फिर 3 से डिविजिबल तो 1। सो 36 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 3। सो व्हाट आई सेड, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, ये बात ठीक है। अब क्या मैं इसको 2, ये 2 बार आ रहा है इसलिए ऊपर पावर में 2 कर दिया, ये 3 2 बार आ रहा है इसको भी 2 में लिख दिया, क्या मैं ऐसे लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? 2 इज कमिंग ट्वाइस, 3 इज ऑल्सो कमिंग ट्वाइस, सो मैंने यहाँ पावर में लिख दिया। जितनी बार नंबर मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर अगर हम डाल दें पावर में तो उसका मतलब वही है। 2 का पावर 3 लिखें मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, अगर पावर में 4 लिख दूं तो 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये बात हमें मालूम है। अब हम कर रहे हैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में भी ऐसे ही चलते हो, 2 एंड देन 18। जो प्राइम बन गया उसको छोड़ देते हैं, जो प्राइम नहीं है उसको फर्दर फैक्टराइज करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। चलो फिर इसको फर्दर फैक्टराइज करें तो ये 2 आ गया, ये 9 आ गया। अब ये जो 9 है आपका, ये अब फिर से प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब इसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। फर्दर फैक्टराइज करें तो क्या आ रहा है मेरे पास, 3 × 3। अब ये जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स आ गए, 36 इज दी प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम्स। तो चाहे आप डिविजन मेथड से चल पड़े, चाहे आप फैक्टर थ्री के मेथड से चल पड़े, ऑब्वियसली प्राइम फैक्टर्स तो बदलने वाले हैं नहीं, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है जी, तो फैक्टराइजेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे लॉन्ग डिवीजन से कर लें और चाहे ही हम फैक्टर ट्री से कर लें। हाँ जी, यहां तक तो आई होप किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर एक काम करते हैं, पहले हम चलो पहले हम यहाँ बात ही कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। वी कैन डू प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिविजन मेथड और वी कैन डू प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर ट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एलसीएम क्या होता है बच्चों? एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, सी एम इज लीस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एच सी एफ इज कॉमन। आपको लीस्ट का मतलब मालूम है, फैक्टर का मतलब मालूम है, मल्टीपल का मतलब मालूम है, हाईएस्ट का मतलब मालूम है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस में गलतियां बहुत होती हैं इसमें। जब हम कह रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कम से कम 2 नंबर होंगे तो हम एलसीएम की बात करेंगे, 2 नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
जैसे कि अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपके पास, आपने फर्स्ट मॉड्यूल के थर्ड क्वेश्चन में आपने फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स लिखे थे 6 और 8 के। तो 6 और 8 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया वो क्या हो गया? 24 हो गया। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दैट इज योर एल सी एम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कॉमन फैक्टर ढूंढना है दो नंबर का जो हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अब तरीके हम क्या क्या लगाते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए? सबसे पहला जो हम तरीका सीखते हैं दैट इज यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली। ठीक है जी, ऐसे ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो मॉड्यूल 1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 25, 30 और 40। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है पहले मैंने, तो जल्दी से क्या करो, 25, 30 और 40 के प्राइम फैक्टर बना दो। फटाफट बनाना, जरा मेथड तुम्हारे मन में जो आए वो लगा लो। डिविजन लगानी है, फैक्टर ट्री लगाना है, दैट इज योर चॉइस, बट फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, 30 एंड 40। मैम मैं अभी अभी हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर निकालने की, सब फैक्टर आई मैम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एंड 5। किसका बता दो, किसके प्राइम फैक्टर? 25, 30 निकालने हैं आपको, 30, 40। हाँ जी, 25 के प्राइम फैक्टर हो गए सबके, क्या बोलो? फाइव मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई बाय 5। लो जी, हम इसको लिख लेते हैं, 25 के प्राइम फैक्टर, लॉन्ग डिवीजन का मेथड लगा लेते हैं। 25 है, 5 से डिविजिबल, 5 5 जा 5 1 जा, सो 25 आई एम राइटिंग एज 5 into 5, और आई राइट इट एज 5 पावर। नेक्स्ट है 30, 30 के प्राइम फैक्टर करने हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं 2, 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बिल्कुल ठीक है जी। 40 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 40 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 से डिवाइड, 20, फिर 10, फिर 5। इसका मतलब 40 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 5, सो आई कैन राइट इट एज 2 का क्यूब into 5, 2 पावर 3 into 5। हाय अब अगर मुझे यहां पर 30 में कुछ भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, हर एक फैक्टर एक एक बार ही आ रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया, यहां पे ये पावर्स में चले गए क्योंकि एक ही फैक्टर रिपीट हो रहा था, हमारे पास 2 बार आ रहा था या 3 बार आ रहा था। अब अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, मैं सिर्फ अभी बुला करके पूछ रही हूं, सबने नहीं बोलना, 6th B से मनमीत, मनमीत फ्रॉम 6th B, हाँ जी, वेयर इज मनमीत? मैम कंबाइन हो या ए सेक्शन में? हाँ, कहाँ, जहां भी है ठीक है। हाँ बेटा बोलो जी, मनमीत, अगर मुझे ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया, अब मुझे एलसीएम निकालना है, बता बेटा कैसे निकालूंगी? हाँ जी, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालते हैं, एनीवन? नो वन? जिसको आता है वो बताएगा, आजा फटाफट आजा बेटा, जिसको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालूं आगे। हाँ जी, 6D से आते यस जी, क्या करें, यस बोलो बेटा क्या करूं, बोलो एलसीएम निकालना? बेटा
पहले ये बता दो, पहले क्या बता दो करनी क्या है ना आप लोगों ने एलसीएम आप निकालना? लोगों ने यस क्लास में आप क्लास में आप सेव कर चुके हो ना? चुके हाँ, हो ना एलसीएम पूछना था, फैक्टराइजेशन एलसीएम कर दी मैंने। अब मुझे इन तीन नंबर्स का एलसीएम निकालना है, निकालना कैसे निकलेगा? मैम, पहले तीनों में कॉमन देखना है, फिर दो दो में कॉमन देखना है, फिर जो बाकी बचे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। चलो देखो, एक सिंपल सी तरीका अपन समझते हैं, बैठो आप जाओ सीखो। यहां पर कौन से प्राइम नंबर हैं? दो, तीन और पांच, ठीक है जी। वो दो, तीन और पांच पहले लिख लेते हैं। अब यहां पर दो नहीं है, यहां पर तीन नहीं है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी प्राइम है, एलसीएम निकालते हुए जितने भी प्राइम नंबर है सब देख लो। उसके बाद देखो, दो का हाईएस्ट पावर इन तीनों में क्या है? यहाँ पे तो दो की कोई पावर ही नहीं है, यहाँ दो 40 का हाईएस्ट पावर 3 से है, 40 के अंदर बिल्कुल, टू टॉप। 40 में दो का हाईएस्ट पावर तीन आ रहा है, तो यहां पर पावर इसकी कर दो तीन। अब तीन की हाईएस्ट पावर कितनी है? वन। मैम 1 30 के अंदर 1 है। तो कहीं है ही नहीं बेचारा, तीन ना इधर है ना इधर है, यही था और वहां भी एक ही पावर थी उसकी। अब पांच की हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो मैम 25 के अंदर 5 क्यूब 2। दोबारा, देखो क्या करना है हमने। प्राइम फैक्टराइजेशन से जब हमें एलसीएम निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनका हाईएस्ट पावर तीनों नंबर्स में, तीन है, पांच है, दस है, पंद्रह, जितने मर्जी नंबर का एलसीएम निकालना हो, जो हाईएस्ट पावर है वो उठा लेनी है मुझे। यहां पर हाईएस्ट पावर दो की तीन है, तीन की हाईएस्ट पावर एक है और पांच की हाईएस्ट पावर दो है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, दो को तीन बार मल्टीप्लाई करना है, तीन मल्टीप्लाई करना है और पांच को दो बार मल्टीप्लाई करना है। बताओ जरा क्या आंसर बनाओगे? 600 मैम 600। सो दिस इज माई एलसीएम। और अगर HCF निकालना होगा तो क्या करना है? HCF निकालते हुए जो फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर सभी नंबर्स में पड़ा है, बस सिर्फ वही वही देखना है। ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में पड़ा है? फाइव। और अब उसकी लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर देखनी है। क्या सबसे छोटी पावर? पांच की, M5 40 के अंदर बस वन। तो यहां पर HCF कितना हो जाएगा आपका? पांच। ध्यान से मेरी बात समझ लो, सुन लो, देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जितने भी नंबर दिए हैं जिनका एलसीएम निकालने को बोला गया, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो भी प्राइम्स हैं उनको पावर्स में लिख दिया। अब अगर मुझे इन तीन नंबर का एलसीएम निकालने को बोला जाए, तो जितने भी प्राइम इसमें आ रहे हैं, चाहे वो एक नंबर में आए, चाहे दो में आए, चाहे तीनों में आए, चाहे पांच में आए, जहां मर्जी आए सारे उठा के लिख दिए। और फिर उनकी कौन सी पावर, हाईएस्ट की लोएस्ट? हाईएस्ट। हाईएस्ट पावर उठाई, जो कुछ बन गया मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ गया। और एचसीएफ के लिए सिर्फ वही फैक्टर लेने हैं जो तीनों में कॉमन हो और उसकी भी लीस्ट पावर। समझ में आई बात कि नहीं? पहले ये बताओ मुझे। हाँ जी, हैव यू अंडरस्टूड? चलो फिर फटाफट जरा सेकेंड क्वेश्चन, 36, 144 और 100 का एलसीएम, एचसीएफ जल्दी से निकाल दो जरा प्राइम फैक्टराइजेशन से। जल्दी जल्दी करना जरा, देखें क्या करते हो। 36, 144 एंड 100, तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल करके एलसीएम और एचसीएफ जैसे अभी हमने देखा, बताओ मुझे कैसे क्या निकाल। हमारा एलसीएम है 3,700। 3,700। दोबारा चेक कर ले बेटा। एक बार दोबारा चेक करो, इज इट 3,000?
700। मैम 3,600। 3,600, ये बात ठीक है। और HCF? हाँ जी, आज काम में ध्यान नहीं है, पता नहीं किधर किधर देखते जा रहे हो। कोई बच्चा मुझे नहीं दिख रहा काम करता हुआ, सबका ध्यान कहीं और ही है। कल अच्छे से पढ़ रहे थे, आज नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग ध्यान से। प्राइम फैक्टराइजेशन हुई कि नहीं हुई? हाँ जी, के प्राइम फैक्टर्स 2 से शुरू करेंगे, 18 फिर 2, 9 फिर 3, 3, सो 36 को मैंने लिख दिया। 2 पावर में भी 2 और 3, 2 दो बार आ रहा है और 3 भी दो बार आ रहा है, सो 36 इज 2 का पावर 2 और 3 की पावर 3। ठीक है जी, यहां तक इज इट ओके? चलो आज हाँ फिर 144 पे चलो जल्दी से। 144 में भी सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2, फिर आगे चलें तो 36 आ गया। अब 36 के ऑलरेडी कर चुके हो तो यही बनेंगे, कुछ ज्यादा दिमाग। 18 से हाँ, फिर आएगा 18, फिर आएगा 9, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 3। इसका मतलब 144 को मैं कैसे लिखूं? 2 कितनी बार आ गया? 4 बार। और 3 कितनी बार आया? अब 100 के फैक्टर, ये भी 2 सबसे पहला, इसका तो प्राइम फैक्टर बन गया। फिर सब 25, फिर 5 और फिर 1। सो 100 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 2 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। यहां तक तो कोई किसी को कोई तकलीफ? एनीबडी हु इज नॉट एबल टू डू दी प्राइम फैक्टराइजेशन? सबने कर ली है। अब हमने बात करनी है एलसीएम की। एलसीएम में क्या कहा था मैंने? जितने भी प्राइम नजर आ रहे हैं सारे के सारे लिख डालो। कौन से प्राइम है मेरे पास यहाँ पर? M2, एक्सक्यूज मी मैम, C5। कोई कुछ पूछ रहा था? एनीबडी? मैम ये वाला क्वेश्चन आप फिर से एक्सप्लेन करोगे? मैम 6 सी मैम वो लीव हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, 6C के स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं? हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 36, 144 एंड 100। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने तीनों के तीनों नंबर 36, 144, 100 के क्या कर दिए? एलसीएम भी नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करी है। ठीक है जी, डिवीजन मेथड लगा करके प्राइम फैक्टराइजेशन करी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से स्टार्ट करते हो, अगर 2 से डिविजिबल, लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 ही है, सो 2 से स्टार्ट किया। डिविजन करते करते ये 36 के प्राइम फैक्टर, 2 दो बार आ रहा था इसलिए 2 के ऊपर पावर डाल दी 2, इसका मतलब 2 इंटू 2। 3 दो बार आ रहा है तो 3 का पावर 2। ऐसे ही जब यहां पर देख रहे हैं तो 2 4 बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है, यहां पर 2 दो बार आ रहा है और 5 दो बार आ रहा है। ठीक है जी, 6C। ये क्या करना था मुझे? जो जो प्राइम दिख रहा है, चाहे एक नंबर में पड़ा हो, चाहे दो में पड़ा हो, चाहे तीन, 2.5 टू थ्री फाइव, चाहे प्राइम नंबर एक में पड़ा है, चाहे दो में पड़ा है, चाहे तीनों में पड़ा है, मैं सारे उठा लेने हैं मैंने। और उसके बाद दो की क्या देखना था? हाईएस्ट पावर देखनी थी कि स्मॉलेस्ट पावर देखनी थी? हाईएस्ट दो की 144 हाईएस्ट पावर 4, वन 3 की हाईएस्ट पावर, हाँ, मैम 36 में है 36 में भी 2 है और 144 में भी 2 है, तो हाईएस्ट 2 ही हो गए। और 5 की हाईएस्ट पावर 100 में आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है जी, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? एलसीएम। सीएम।
और वो आपका आ रहा है 3600। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और आंसर बनेगा 3600। और HCF निकालने के लिए क्या करना है मुझे? वो सिर्फ फैक्टर उठाने हैं जो सारे नंबर में पड़े हों। ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो तीनों में पड़ा है? टू और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? टू? स्क्वायर यहां 2, यहां 4, यहां 2, तो स्मॉलेस्ट क्या हुई? टू तो HCF क्या हुआ? तो LCM ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 3600, वाइल दी HCF इज 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आ गया मेरे पास। ये सबको समझ में आया है? पहले बताओ मुझे। Yes. चलो जी, अब आप लोग एक और तरीका लगाते हो एलसीएम निकालने के लिए। कौन से तरीके से और करते हो, या इसी से ही करते हो? किस के और तरीका भी निकालते हो, लगाते हो एलसीएम लगाने का? कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल लगा। हाँ जी, मैम फिर से समझाना, मैम समझ नहीं लगा। क्या बात समझ नहीं आई इसमें, पहले वो बता बेटा मुझे। शाबाश, जल्दी से बता बेटा। मैं जो है मैम, आपने 2 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई मैम 3 के, मैम ये नहीं समझा रहा है। देखो, हमने क्या किया, यहां से हमने प्राइम फैक्टर्स देख लिए। कौन से हैं? 2, 3 और 5। ठीक है जी। अब यहां पर 2 कितनी बार आ रहा था? 2 बार। यहां कितनी बार आया? 4 बार। और यहां कितनी बार आया? 2 बार। तो हाईएस्ट कितनी बार आया? 2। M4 इसीलिए इसके ऊपर क्या कर दिया?4 ऐसे ही अब 3 देखना है। 3 हाईएस्ट कितनी बार आया? यहां 2 बार, यहां 2 बार, तो क्या कर दिया? M2 और 5 हाईएस्ट कितनी बार आया? बस M2 जी, इसीलिए ये कर दिए 4 2 2। अब समझ में आ गया? yes. बिल्कुल ठीक है जी। और 2 पावर 4, इसको कैसे बोलते हैं? 2 पावर 4, इसका मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। फिर 3 की पावर 2, मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 5 की पावर 2, मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई। और HCF निकालने के लिए क्या करना है? सिर्फ वो वाला प्राइम उठाना है जो तीनों नंबर्स में पड़ा था। वो सिर्फ क्या था? 2। 2 तीनों में पड़ा है, 3 इन 2 में है, इस बेचारे में नहीं है, 5 सिर्फ इधर है, इन दोनों में है ही नहीं, तो जो सब में पड़ा है वो उठा लिया। और उसकी स्मॉलेस्ट पावर कम से कम कितनी बार आया वो देखना है। कम से कम 2 बार आ रहा है, यहां 2 बार, यहां 2 बार, यहां 4 बार, तो कम से कम कितनी बार आया? 2 बार, इसलिए यहां कर दी पावर में 2। सो 2 into 2, 4 विल बी योर HCF। अभी समझ में आया बच्चे? ठीक मैम यस है जी। अब एक और मेथड है हमारे पास एलसीएम निकालने का, HCF का भी है। कौन मुझे समझाएगा? अब आपने मुझे समझाना है, बताओ कौन मुझे अच्छे से समझा सकता है? मेरे को ना ये वाला मेथड अच्छे से आता है, दूसरे वाला ना अच्छे से आता नहीं है। कोई समझाएगा मुझे? शाबाश, जल्दी से कौन मुझे समझाएगा कि अगर मुझे दूसरा मेथड लगाना है 3600, 1, 4400 का एलसीएम निकालने के लिए, तो कैसे शुरू करूं, कहां से शुरुआत करनी है? मेरी हेल्प नहीं करोगे? कोई नहीं करेगा? कोई तो बता दो। 6D से बताएगा कोई? कौन बताएगा मुझे? और क्या मेथड से आप एलसीएम निकालते हो, पहले तो बताओ। इसके अलावा और किसी मेथड से निकालते हो? अब फिर जब आ गया मेथड बोलते क्यों नहीं हो, फिर बोलो। सिक्स, हाँ बोलो बोलो बोलो। शाबाश शाबाश, ये 6C से एक गर्ल है, शी इज गुड वन, शी वॉन्ट्स टू हेल्प मी, लेट अस सी वो मुझे क्या क्या सिखाती है। मैं उससे सीख के अब क्वेश्चन करने वाली हूँ, देखते जाना जरा। हाँ बेटा बोलो, क्या करूँ सबसे पहले? सबसे पहले हम तीनों को मैम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तीनों को इकट्ठे करके। तीनों को इकट्ठे कर, कह रहे हो 36,
100 और 144 ऐसे इकट्ठे लिख लूं, और अब इकट्ठे ही प्राइम फैक्टर निकाल दूं, अलग अलग करने की बजाय इकट्ठे कर दूं, तो कह रहे हो। फर्स्ट चलो फिर आप बताओ पजले कैसे करूं। टू 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 तीनों में है बेटा, अगर टू दो नंबर में होता तो तब भी ले सकती थी क्या मैं, कि नहीं ले सकती। अगर एलसीएम निकालना तो नहीं ले सकते थे मैम, बट अगर एलसीएम है मैम तो ले सकते अभी तो हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, एक एक करके सीखेंगे ना, दो तीन साथ सीखूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, एक एक करके सीख, है ना। अभी एलसीएम से करते हैं, ठीक है। एलसीएम के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर दो किन्हीं दो नंबर में पड़ा हो तो क्या मैं ले सकती थी। चलो जी, एक बात मैंने सीख ली कि जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूं, जितने मर्जी नंबर हो, जो भी प्राइम फैक्टर हम बात कर रहे हैं, अगर वो दो नंबरों में भी सब में नहीं, तो उसे ले सकते। लो जी, ले लिया दो। अब बताओ जी क्या क्या आएगा। 36 का 80, हाँ जी मैम 100 का 50, बिल्कुल ठीक है जी। वन फोर्टी फोर का 72। आगे बताओ जी, अब क्या करूं। 18 का 9, फैक्टर नहीं बताया आपने मुझे। फैक्टर मैम 2 से करेंगे, टू। 9 को 9 लिखेंगे, उससे ओके करेंगे जी, तो उसको क्या मैम, लिखेंगे। 50 का 25 और 72 का 36, चलो अब आप भी सीख पे कौन जाओ कि कौन हेल्प करे। अपने आप आ जाओ, जिस जो मुझे आगे हेल्प करना चाहता है आप। ठीक है बेटा, परफेक्ट, बहुत अच्छे से समझाया आपने मुझे यहाँ तक। वेरी गुड, गो टू योर सीट। आगे आगे समझाना है मुझे, अब कौन समझाने में मैडम। हाँ आ गया, देखो वेरी गुड बेटा, बताओ बताओ। टू से होगा, टू से, टू अच्छा से जी आप कहते हो तो दो से कर कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, लो जी दो से करते हैं तो लेते हम 9 9 ही रहेगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होते। मैम 25 भी 25 रहेगा, अच्छा जी, मैम 36 की जगह 18, 36 को दो से डिवाइड करा तो आ गया 18, एटीन। चलो जी आगे, मैम 2 से फिर से टू से कर। फिर अच्छा जी, से लो टू अब बताओ। से मैम 9 ऐसे ही रहेगा, मैम 25 भी, मैम आंसर इज 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 जब मैंने पहले कहा तो कोई समझाने नहीं आया, अब जो समझा रहा है उस अच्छे से समझ लो। इसमें ऐसे अगर मैं आगे आगे आपके टीचर बताए आपको क्या समझ में आएगी, नहीं आते ना। नहीं समझ आते ना, समझ लेने दो, लेना, पूरा समझ लूं पहले मैं, समझ लूं। लो हाँ जी बेटा, आगे बेटा क्या करूं बच्चे बोल। बोल मैम 3 से क्या थ्री से बोलो जी क्या आएगा। हाँ आएगा, मैम 3 जी, मैम 25 ऐसे ही रहेगा, अच्छा मैम जी 3 चलो जी, थ्री आ गया। मैम अगेन आगे, आगे 3 से अगेन थ्री, मैम 1, 25 ऐसे ही रहेगा, मैम 1 आगे क्या होगा। मैम 5 से मैम ठीक है, समझ 55 में आ गया ना मुझे। मैम यस आगे फिर पांच से कर दूं, ठीक यस है। समझ में आ रहा है मुझे कि नहीं, बोल बेटा आ रहा है मुझे सब। एंड में क्या बच गया। वन वन वन। अब एलसीएम निकालने के लिए बेटा, टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक है जी, एलसीएम तो टू पावर फोर, थ्री की पावर टू, फाइव की पावर टू। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने मुझे समझा, एंड आई एम एबल अंडरस्टैंड। बाकी सबको तो, हाँ जी सबको समझ में आ गया। वेरी गुड, गो टू योर सीट, वेरी नाइस।
अगर आप देखो, जब हम अलग-अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके रूल लगा रहे थे कि सारे प्राइम फैक्टर ले लो और उनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर उठा लो, तब भी ऐसे ही आ रहा था हमारे पास। तो यहां से मेरे पास एलसीएम हो गया 3600। और एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इन्हीं नंबर्स का एचसीएफ लेना है तो क्या करना पड़ेगा? तब मुझे सिर्फ वो ही प्राइम फैक्टर उठाने पड़ेंगे जो तीनों में बड़े हो, वरना नहीं ले सकते। यहां पर हमने दो ले लिया जो कि सिर्फ 36 का फैक्टर था, इन दोनों के नहीं थे, ले लिया मैंने। ऐसे ही यहां पर फिर से टू लिया जो इन दोनों का फैक्टर नहीं था, लेकिन एचसीएफ में आप ऐसा नहीं कर सकते। एचसीएफ में क्या करना पड़ता है मुझे? मैम जहां सिर्फ पर कोई वही नंबर फैक्टर। डिविजिबल नहीं है उसको वैसे ही छोड़ दो। बिल्कुल, यहां से आ गया ये 18, ये 50 और ये 72। फिर से इनमें दो कॉमन आ गया तो ये आया 9, 25, 36। अब क्या कोई ऐसा प्राइम फैक्टर है जो तीनों का फैक्टर हो? तीन देख, तीन नो दो का फैक्टर है, चार फैक्टर, चार हाँ में से प्राइम ही नहीं है, पांच की बात करें तो इसका फैक्टर है। इसके बाद आपको कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिल रहा। इसका मतलब अब एचसीएफ के लिए क्या करोगे? सिर्फ इन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, दैट इज फोर। ठीक है जी, तो ये हमने कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ देखे। अलग अलग कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो काम हमने किया है। तो अब आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट करके लाना है, कल करके लाओगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, यस ये थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट और सेकेंड के तीनों पार्ट, ये आप लोग करके लाएंगे। इज इट ओके? ओके यस बच्चों, ओके जी, बाय 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 मैम। बाय बाय।